नमस्कार, स्वागत है आपका सतीहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। कोर्ट अगर आपको जमानत दे दे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कई केसेस में कि पुलिस आपकी जमानत को रोकने की कोशिश करती है, और खासकर तब जब बेकसूर छात्राओं को या छात्रों को अगर आतंक के केसेस में पुलिस फंसाती है तो फिर उसकी जमानत तो पुलिस को रोकनी ही है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस के लिए लोगों की बेल एक खेल है, और एक खेल के तहत दिल्ली पुलिस एन केन प्रकारेण लोगों की जमानत को रोकने की कोशिश करती है, डीले करने की कोशिश करती है, और कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढने की कोशिश करती है जिसके चलते वो जमानती ऑर्डर और डीले हो सके। मैं बात कर रही हूं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो अभियुक्त थे, देवांगना कलीटा, नताशा नारवाल और आसिफ इकबाल तन्हा, जिनको 15 जून ने दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उनको जमानत दी जाए क्योंकि विरोध संवैधानिक दायरे में पर्मिसिबल है, और अगर संवैधानिक दायरे में विरोध होता है तो फिर आप उसे आतंकवाद की गतिविधि नहीं बता सकते हैं, आप उसे आतंकी करार नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऑर्डर्स दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून को दिए थे और जमानत का की घोषणा भी की थी, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा बीत गए और फिर भी नताशा नारवाल, देवांगना कलीटा और आसिफ इकबाल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे रहे। लेकिन क्योंकि ये तीनों अभियुक्त सेशंस कोर्ट भी चले गए, यानी कि जो निचली अदालत है कड़कड़ूमा कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि उनके रिहाई के ऑर्डर्स को जल्द ही रिलीज किया जाए, तो जिस तरीके की दलीलें वहां पर दिल्ली पुलिस ने पेश की उसे सुनकर आप वाकई में चौंक जाएंगे, और चौंक इसलिए जाएंगे क्योंकि जिस तरीके के एक्सप्लेनेशंस और जिस तरीके के बहाने दिल्ली पुलिस ने दिए हैं कि क्यों इस बेल को अभी ना दिया जाए, उसे आप सुनकर हंसेंगे और हैरानी भी होगी, आपको गुस्सा भी आएगा कि यह है दिल्ली पुलिस जो कि लोगों के साथ, जिसे मानवीय व्यवहार करना चाहिए, वो यहां पर अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहा है। खाल इसलिए बचाने की क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा तमाचा दिल्ली पुलिस को के मुंह पर पड़ा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। जितने भी चार्जेस लगाए गए थे इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे, उनको खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो उआपा है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, न सेक्शन 14, न सेक्शन 15, न सेक्शन 17 की कोई भी धारा इन पर लागू नहीं होती और इन्हें रिहा किया जाए, तो दिल्ली पुलिस को ये कैसे बर्दाश्त होता। उनके अहंकार को चोट पहुंची और दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने यह कहा कि अब वो स्पेशल लीव पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देंगे। लेकिन निचली अदालत में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि जो, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इन तीनों को छोड़ा जाए और उसके लिए दो श्योरिटीज होनी चाहिए, बेल बॉन्ड 50,000 रुपए का भरना चाहिए, तो ये जो श्योरिटीज हैं और जो बेल बॉन्ड का जो वेरिफिकेशन है, यानी कि उनका सत्यापन है, वो दिल्ली पुलिस को करना होगा, जिसके लिए उसे 5 दिन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं, एक झारखंड से है, एक असम से है और एक रोहतक से है, तो असम जाने के लिए दिल्ली पुलिस को राजधानी लेनी पड़ेगी, इसलिए इनको समय चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो सेशंस कोर्ट की जज है रविंदर बेदी, उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट में, जब आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि आप राजधानी ही क्यों, आपके पास और भी अल्टरनेटिव है, आप उसको क्यों नहीं ले सकते। तो इस तरीके की हास्यास्पद एक्सप्लेनेशंस दिल्ली पुलिस ने दिए हैं, और अब जाकर नताशा नारवाल और आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कलीटा के रिलीज ऑर्डर्स की घोषणा आ गई है। उनको रिलीज करने के ऑर्डर्स सेशंस कोर्ट ने, यानी कि कड़कड़ूमा कोर्ट में रविंदर बेदी जो एडिशनल सेशंस जज हैं, उन्होंने दे दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है
कि जो रिलीज वारंट है उसे तिहाड़ जेल अथॉरिटीज को वाया ईमेल भेजा जाए, तो इस चीज को उन्होंने कहा है। और साथ में 2015 के हाईकोर्ट ऑर्डर की व्याख्या भी की गई है, कल भी की गई थी और आज भी उसको कहा गया है कि अगर किसी भी अभियुक्त को छोड़ने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो उस ऑर्डर के तहत आप किसी की भी जमानत एक मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते। जमानत आपका हक है और आप उसे नहीं रोक सकते। ये आपके बहुत प्रासंगिक सवाल है क्योंकि वो भविष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है समझना। लेकिन मैं पहले आपके अपने व्यूअर्स को मैं ये खुश खबर देना चाहती हूँ कि आज वो बेल हो गया है, लोअर कोर्ट ने आज सुबह ही ऑर्डर्स पास कर लिए हैं और तीनों का यूएपीए में जो केस लगा है उसमें हाईकोर्ट की जमानत का ऑर्डर आज शाम तक वो तिहाड़ जेल से फ्री हो जाएंगे। एक तो ये अच्छी खुशखबरी है। लेकिन जो आपका सवाल है वो अभी भी प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो दलील थी इस पूरे केस में से स्पष्ट होता है कि वो समझते हैं कि हाई कोर्ट के खिलाफ जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन पर गए थे उनका ये पूरा प्रयास था कि उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को सबोटाज करके वो देरी करके कोई ना कोई मतलब ऐसे बहाना दिए ताकि वो एसएलपी शायद के पक्ष में आ जाए और ये पूरा बेल का जो मामला है वो खत्म हो जाए। यानी कि दिल्ली पुलिस कानून की धज्जियां उड़ाकर, नियमों की धज्जियां उड़ाकर प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को हम कैसे रोक सके, ये उनका पूरा प्रयास था। और मैं इस बात की भी कहती हूँ कि जो कल भी उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था जो बहुत आपत्तिजनक था वो भी लोअर कोर्ट ने उसको खारिज कर लिया और रिलीज कर लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस भंभानी के द्वारा जेएनयू के दो छात्रों को नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थी आसिफ इकबाल तन्हा को विगत वर्ष जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके संबंध में जमानत दे दी है। जनपदीय न्यायाधीश रविंद्र बेदी ने भी अवगत कराया कि इस संबंध में उनके द्वारा 11 बजे वांछित निर्देश पारित कर दिए गए हैं। लेकिन ये अप्रत्याशित है कि 36 घंटे होने के बावजूद ये तीनों अभी जमानत पर रिहा नहीं किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि एन केन प्रकारेण दिल्ली पुलिस, हालांकि ये केवल आरोप है लेकिन अगर ये आरोप है तो भी औचित्यपूर्ण नहीं है कि जब उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया है तो उसके संबंध में दिल्ली पुलिस का उत्तरदायित्व है कि अक्षरशः और निष्ठापूर्वक उसका अनुपालन सुनिश्चित करे। उसके बारे में ऐसी कोई तरकीब निकालने की कोशिश न करे जिससे कि जमानत पे छूटने में इन तीनों विद्यार्थियों में अकारण और अनावश्यक विलंब हो, क्योंकि अकारण और अनावश्यक विलंब न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी शामिल किया जा सकता है और न्यायालय इसको पसंद नहीं करता कि उसके आदेशों के अनुपालन में हीला हवाला किया जाए। न्यायालय ने दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं जो जमानत के संबंध में है कि संबंधित थानाध्यक्ष को अपना मोबाइल नंबर 50,000 के मुचलके और अपनी गतिविधियों के बारे में समय समय पर अगर बुलाया जाता है तो उनको उपस्थित होना पड़ेगा। एक अनुशासित पुलिस बल से ये अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय के आदेशों के संबंध में निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें, तत्परता के साथ करें और अनावश्यक अगर किसी ने विलंब करने का प्रयास किया है तो उसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। तो एडिशनल सेशंस जज रविंदर बेदी ने कहा कि क्योंकि आपको वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है, वो दिल्ली पुलिस से कह रहे थे कि अगर आपको टाइम लग रहा है तो वो एक कारण नहीं बन सकता कि किसी की जमानत को आप डीले करें। और उन्होंने कहा है कि जहां तक फिजिकल वेरिफिकेशन की बात है, उन्होंने कहा है कि जो परमानेंट एड्रेसेस का दिल्ली पुलिस को वेरिफिकेशन करना है
उसको पूरा करके वो 23 जून दोपहर 2:30 बजे तक कोर्ट को दे सकते हैं, लेकिन इससे जमानत नहीं रुकेगी इन तीनों स्टूडेंट्स छात्राओं की। तो आज उम्मीद है कि आज उनको उनके जो रिलीज वारंट है वो इशू कर दिए गए हैं, और अच्छी बात है कि उनको बेल मिल गई है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस का रवैया है वो यहाँ पे वाकई में लोगों को चौंकाता है कि बहाने बहाने से किस तरीके से लोगों की बेल रोकी जाती है। पहली बात तो ये कि गलत चार्जशीट फाइल की, गलत चार्जेस उन पर लगाए गए, कोर्ट ने जब उन सारे चार्जशीट्स को खारिज कर दिया, जितने भी आरोप हैं उनको खारिज कर दिया, तो उसके बाद भी दिल्ली पुलिस बहाना ढूंढ रही है कि कैसे उनकी बेल को रोका जाए। स्पेशल लीव पिटीशन लेकर वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर क्या होगा ये अब जो आगे आने वाले जब भी डेट मिलती है उसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ कहता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जिस बहाने से दिल्ली पुलिस बेल को एक खेल बनाकर उसने रख दिया है वो वाकई में ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि मानव अधिकारों के लिए यानी कि ह्यूमन राइट्स के लिए दिल्ली पुलिस के मन में कोई भी जगह नहीं है, कोई भी सम्मान नहीं है। और अगर हम क्या गलत कहते हैं अगर ये कहते हैं कि भारत आज ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में गिर चुका है, तो यही ये सबके कारण है। बेकसूर लोगों को, बेकसूर छात्र छात्राओं को आप जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं ये कहते हुए कि वो आतंकवादी हैं। आपने किसी भी चीज का वेरिफिकेशन नहीं किया, बिना दिमाग लगाए उन पर चार्जेस लगा दिए, और वो भी संगीन आरोप उआपा जैसे कानून के तहत जिसमें कि आजीवन लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, उन पर गलत आरोप आप लगाकर और उनको आपने जेल में डाल दिया। और हद इस बात की है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको छोड़ने के आदेश दे दिए हैं उस पर भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैंने कई एक्सपर्ट्स से भी बात करने की कोशिश की थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके की दलीलें यहां पर दिल्ली पुलिस ने दी है कि बेल बॉन्ड को वेरीफाई करेंगे, उन्होंने दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि बेल बॉन्ड के लिए उनको आधार के डिटेल्स चाहिए उन लोगों के, जैसे बृंदा कराट ने नताशा नारवाल की श्योरिटी दी थी, तो अब उनके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। लेकिन जो रविंदर बेदी ने कहा, जो एडिशनल सेशंस की जो जज हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि जो श्योरिटीज हैं वो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि ये तीनों छात्र छात्राएं दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में आकर वो सेटल कर गए थे, लेकिन परमानेंट एड्रेसेस उनके भले ही बाहर के हों लेकिन ये वेरिफिकेशन यहां दिल्ली के एड्रेसेस से भी हो सकता था। चार्जशीट में दिल्ली का एड्रेस है लेकिन जब जमानत की बारी आती है, जमानत उनको छोड़ने की बारी आती है, तब दिल्ली पुलिस को जाकर वेरीफाई करना होता है उनके परमानेंट एड्रेसेस। तो ये बात सिर्फ इस चीज को दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस बहाने ढूंढकर इस बेल को डीले करने की कोशिश कर रही थी, उसमें रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी भी तरीके से इनको बेल ना मिले और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए इस उम्मीद में कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस को कोई उम्मीद मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई देखिए इस बात की, अब इस पूरे केस की छानबीन फिर से की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस अभी भी एक झूठी उम्मीद में उसने बेल में देर करने की कोशिश की है और एक जो मौलिक अधिकार है लोगों का, उनके फ्रीडम का, उनकी रिहाई का और उनकी जमानत का, उससे लोगों को महरूम रखा है, खासकर देवांगना कलीटा, नताशा नारवाल और आसिफ इकबाल तन्हा के। तो दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो वाकई में बहुत ही अमानवीय है और इससे ये बिल्कुल साबित होता है कि दिल्ली पुलिस जितने भी केसेस करता है दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता पर यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब भी वो केसेस को रजिस्टर करती है लोग उसे प्रश्नों के दायरे से ही देखेंगे कि क्या पता सही केस दर्ज हुआ हो या ना किया हो, हो सकता है कि झूठा केस दर्ज किया गया हो। तो आज दिल्ली पुलिस की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हुई है, उसमें यह दर्शाता है कि जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, उनके गृह मंत्रालय के अधीन है, तो ऐसा लगता है कि उनको सारा जो डिक्टेशन है, निर्देशन है, वो गृह मंत्रालय से मिलता है। और जाहिर सी बात है सबको पता है कि गृह मंत्रालय का क्या रोल रहा है दिल्ली के उत्तर पूर्वी दंगों में और किस तरीके से चीजों को उस समय पूरा देखा गया। तो ये सारी चीजें आज एक तरीके से खुली किताब है। दिल्ली पुलिस का रवैया एक अमानवीय है, बिना सोचे समझे बेकसूर लोगों के खिलाफ
चार्जेस लगाए जाते हैं, उन पर केस किया जाता है और सिर्फ केस ही नहीं बल्कि उनकी बेल को भी रोका जाता है। यानी कि बेल अब दिल्ली पुलिस के लिए एक खेल बन चुका है। ऐसे में मानवता कहां से आएगी, मानव अधिकारों की आप बात कहां से करेंगे और आप कैसे कहेंगे कि भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र है। इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें, सत्य हिंदी को भुगतान करें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neeluonthemove। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।